बहुजन गायकों की जरूरत है, ऐसे बहुजन महापुरुषों पर विचार देने की जरूरत है। प्यारे साथियों, आज महापुरुषों के विचार की आवश्यकता है और आज संविधान महोत्सव मनाए जाने के अवसर पर तीन चार मोटी मोटी बातें बहुत छोटे छोटे शब्दों में वो कह देना चाहता हूं। साथियों, भारतीय संविधान के बारे में, अनुच्छेद के बारे में हमारे साथियों ने आपको बताया, मुझे लगता है वो यहाँ से बताने के बजाय उसको पढ़ने की जरूरत है, घर घर में उसको दिमाग में दिल में उतारने की जरूरत है। वो दिन मुझे याद है, इसी उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में जब मेरे ऊपर केस हुआ, सरदार सेना के हजारों लोग खेल गए। वो दिन मुझे याद है जब हमने इस देश के चुने हुए सांसदों से सवाल करना शुरू किया। वो दिन मुझे याद है जब इस देश के सांसदों का घर घेराव हम लोगों ने किया। वो दिन मुझे याद है बनारस के सांसद और देश के मनवादी विचारधारा के पोषक प्रधानमंत्री का आवास, प्रधानमंत्री का कार्यालय घेरने का हम लोगों ने कोशिश किया। राष्ट्रद्रोह का केस लगा, राष्ट्रद्रोही के रूप में आर पटेल को लोग बोलने लगे, लेकिन उसके बाद भी, जेल से निकलने के बाद भी हम आपके बीच में है, दर्जनों संकुलों में जेल गया, लेकिन आज भी आपके विचारधारा को, संविधान के विचारधारा को, संसद के विचारधारा को आपके सामने झंडा ऊंचा करने से कोई नहीं रोक पाया। साथियों, जेल छोटी पड़ जाती है जब बहुजन विचार के लोग एकजुट हो जाते हैं, लेकिन आज आपसे सवाल है, मुझे नाराजगी भी है, तकलीफ भी है, सत्ता के उन लोगों से कब तक सवाल है कि उन सत्ता को बनाने वाले प्रदेश में विधायक आप बनाते हो, देश की सत्ता बनाने वाले सांसदों को आप चुनते हो, सवाल आपने कितनी बार उनसे पूछा। इस इलाहाबाद की जो माननीय सांसद महोदय है, मैं गुराव के लोगों से भी पूछना चाहता हूं, उनके आवास को कितनी बार घेरा गया, उनके घर को कितनी बार घेरा गया, कितनी बार अपने मुद्दों पर उनको सवाल किया गया। यही सांसद मोदी को बनाए हैं, यही सांसद सरकार बनाए हैं। मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, यहां के जो विधायक हैं उनसे आप कितनी बार सवाल पूछे,